वेलकम बैक स्टूडेंट। अभी हमने लास्ट टाइम जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा इन द फैमिली, उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। अब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ओके, तो अ फैमिली ट्री। हियर इज निशाज फैमिली ट्री। इट शो ऑल द पीपल इन हर फैमिली एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। द पीपल प्लेस इन वन लाइन ऑफ द ट्री मेक अप अ जनरेशन। मतलब कि हम निशा के ट्री को देखेंगे कि निशा की जो फैमिली है वो एक दूसरे से किस तरह रिलेटिव है और उनकी जनरेशन। ओके, सो पहले आप इस ट्री को देखिए। पहली है मतलब फैमिली ट्री, पहला मतलब ये तीन जनरेशन का ट्री है। कैसे कैसे किस लाइन में कौन है, मतलब किस जनरेशन में कौन है, हम ये देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन जो है इसमें है नरेंद्र सिंह। ये 65 ईयर्स नरेंद्र सिंह जो है, ये 65 ईयर्स निशाज ग्रैंडफादर, मतलब नरेंद्र सिंह जो है वो निशा के ग्रैंडफादर है और इनकी एज 65 ईयर्स है। ओके, नेक्स्ट है ममता सिंह। ममता सिंह 62 ईयर्स निशाज ग्रैंड मदर, मतलब ममता सिंह जो है वो निशा की कौन है, ग्रैंड मदर है और उनकी एज 62 ईयर्स है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जनरेशन है गौरव सिंह। 40 ईयर्स निशाज फादर, मतलब गौरव सिंह जो है ये निशा के फादर हैं, वो 40 ईयर्स की हैं। नेक्स्ट है गरिमा सिंह। 34 ईयर्स निशाज मदर, मतलब गरिमा सिंह जो है वो निशा की मदर है, 34 ईयर्स की हैं। नेक्स्ट है मोहित सिंह। 36 ईयर्स निशाज अंकल, मतलब मोहित सिंह जो है वो निशा की अंकल है जो कि 36 ईयर्स के हैं। नेक्स्ट है सीमा सोलंकी। 30 ईयर्स निशाज आंट, मतलब सीमा सोलंकी निशा की आंट है जो कि 30 ईयर्स की है। नेक्स्ट है अंकिता सोलंकी। 27 ईयर्स निशा आंट, मतलब अंकिता सोलंकी जो है वो निशा की आंट है जो कि उनकी एज क्या है, 27 ईयर्स। नेक्स्ट है पंकज सोलंकी। 30 ईयर्स निशाज अंकल, पंकज सोलंकी निशा के अंकल है जिनकी एज 30 ईयर्स है। नेक्स्ट है निहार सोलंकी। 21 ईयर्स निशाज आंट, मतलब निहार सोलंकी जो निशा की आंट है वो 21 ईयर्स की है। नेक्स्ट जनरेशन है निशा 8 ईयर्स, मतलब यहाँ पे खुद निशा आई है, मतलब थर्ड जनरेशन में निशा आई है जिसकी एज 8 ईयर्स है। फिर है अंकिता। अंकिता 6 ईयर्स निशा सिस्टर, जो अंकिता है वो निशा की सिस्टर है 6 ईयर्स की। नेक्स्ट है अक्षित। अक्षित जो है 7 ईयर्स निशाज कज़न, मतलब निशाज कज़न मतलब वो उसका चचेरा भाई है अंकित, जिसकी एज कितनी है, 7 ईयर्स। नेक्स्ट है पिंकी। पिंकी की एज 6 ईयर्स है और ये निशा की कज़न है, मतलब चचेरी बहन है। नेक्स्ट है टोनी। ये 4 ईयर्स का है, निशाज कज़न, ये भी उसका चचेरा भाई है निशा का। फिर नेक्स्ट है सनी। 3 ईयर्स निशाज कज़न, मतलब सनी जो है 3 ईयर्स का है और ये निशा का कज़न है। फिर नेक्स्ट है पीपल बॉर्न अराउंड द सेम टाइम आर सेड टू बी बिलोंग टू वन जनरेशन। जो पीपल सेम टाइम में जिनका बॉर्न होता है वो सेम जनरेशन के होते हैं। योर फादर मदर अंकल एंड आंट्स बिलोंग टू वन जनरेशन, आपके जो फादर मदर और अंकल हैं वो वन जनरेशन से बिलोंग करते हैं। योर ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर बिलोंग टू अनदर जनरेशन, मतलब आपके जो ग्रैंडफादर हैं और ग्रैंड मदर हैं वो भी अदर जनरेशन से बिलोंग करती। हुम डू वी लुक लाइक, मतलब हम किसकी तरह दिखते हैं। वी लुक लाइक आवर फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स इन सेम और द अदर वे, मतलब हम जो हैं हमारी फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव की तरह दिखते हैं। दीज कैन बी पास्ड ऑन टू अस फ्रॉम आवर पैटर्नल और इवन मैटर्नल साइड, मतलब कभी कभी कुछ बच्चे जो हैं वो अपने जैसे कि पापा की फैमिली, जैसे कि दादा दादी हुए, मतलब और चाचा चाची हुए, बुआ, उनके जैसे दिखते हैं और कुछ अपनी मम्मी साइड से दिखते हैं, जैसे कि मैटरनल इवन मैटरनल फैमिली, जैसे कि कुछ बच्चे जो है नाना नानी की तरह दिखते हैं, मामा मामी की तरह दिखते हैं, मासी की तरह, इस तरीके से। इन दिस फैमिली आर पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ये वन जनरेशन से अनदर जनरेशन तक चलता रहता। दीज आर कॉल्ड हेरिडेटरी फीचर्स, मतलब इन फीचर्स को क्या बोलते हैं हम, हेरिडेटरी फीचर्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आप ये पिक्चर्स देखिए। लुक एट दीज चिल्ड्रन, मतलब कि
ये जो दो चिल्ड्रन हैं इनका जो फेस है वो सेम है, मतलब ये ट्विंस हैं। अब देखते हैं ट्विंस। द फर्स्ट पिक्चर ऑफ द ट्विंस, टू बेबीज बॉर्न एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पेरेंट्स, दे लुक अलाइक, पीपल ऑफ्टन गेट कंफ्यूज्ड, दे कैन नॉट टेल हु इज हु, मतलब कि जो सेम पेरेंट्स के सेम बेबी बॉर्न होते हैं, बिल्कुल मतलब जो पेरेंट्स हैं उनका एक ही टाइम पे दो बेबी बॉर्न होते हैं और उनका फेस जो है वो एक सा दिखता है, मतलब कि ट्विंस, और मतलब जो पर्सन है वो देख के कंफ्यूज होता है हु इज हु, मतलब ये कौन सा है और ये कौन सा है। द अदर पिक्चर इज ऑफ द ट्रिपलेट्स, थ्री बेबीज बॉर्न एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम पेरेंट्स, दे टू लुक अलाइक, मतलब कि एक ही टाइम पर थ्री बेबी बॉर्न होते हैं और उनका फेस एक जैसा रहता है, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स, बीइंग टुगेदर, एक साथ रहना। फैमिली मेम्बर्स केयर एंड शेयर वर्क एट द होम, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली, मतलब फैमिली में जो मेम्बर्स रहते हैं हमें उनकी जो काम जो वर्क है उसकी केयर करना चाहिए और उनके साथ काम में हेल्प करना चाहिए, वर्क में हेल्प करना चाहिए। द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली शुड लव एंड केयर फॉर ईच अदर बाय शेयरिंग द वर्क, मतलब काम के साथ साथ हमें उनकी केयर भी करना चाहिए और उन्हें लव भी करना चाहिए। दिस मेक्स अ फैमिली अ हैप्पी वन, मतलब इससे फैमिली जो है वो हैप्पी रहती है। आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो लव अस, दे टेक अस टू द पार्क एंड टेल अस मैनी स्टोरीज, दे लव एंड टेक केयर ऑफ अवर नीड्स, मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो हमसे लव करते हैं। दे टेक अस टू द पार्क, मतलब जब हम उनसे बोलते हैं कि हमें पार्क में ले जाओ तो वो हमें पार्क में भी ले जाते हैं और वो हमारी नीड्स की केयर करते हैं, मतलब हमारे ज़रूरत का भी ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज द फैमिली टीच अस, मतलब हमें फैमिली क्या सिखाती है। तो मोस्ट फैमिलीज फॉलो अ सेट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, दीज आर पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, सम कॉमन कस्टम्स आर, मतलब कि हमारी जो फैमिली है वो फॉलो करती है कस्टम्स को, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, मतलब कि रीति रिवाज को, और वो हमें भी फॉलो करने के लिए बोलती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, जो सम कॉमन कस्टम्स है वो है, फर्स्ट है ईटिंग डिनर टुगेदर, मतलब साथ में हमें खाना खाना चाहिए रात को, सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल टुगेदर, मतलब जो फेस्टिवल है वो हमें एक साथ सेलिब्रेट करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। ये देखिए ईटिंग डिनर, मतलब ये साथ में डिनर कर रहे हैं। नेक्स्ट है सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल, ये साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं फेस्टिवल को। वी लर्न मैनी थिंग्स वैन वी लाइव इन अ फैमिली, जब हम फैमिली के साथ रहते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे वी लर्न केयरिंग एंड शेयरिंग, बींग काइंड टू अदर्स, मतलब हम एक दूसरे की केयर करना सीखते हैं, शेयरिंग सीखते हैं, हेल्पिंग ईच अदर एंड बींग ट्रूथफुल, मतलब हम सच्चे होना सीखते हैं। अवर फैमिली इज़ अवर फर्स्ट स्कूल, मतलब हमारी जो फैमिली है वो हमारा फर्स्ट स्कूल है। Thank you.